हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्री हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए थे। ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं, ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन कंबाइंड है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, पी क्यू आर एस एक वर्ग है। पी क्यू आर एस एक वर्ग है और इसकी इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है, इसे मिला दिया गया है टी तक। वर्ग की साइड है 20, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर भी एक सर्कल बना हुआ है। इसका केंद्र O1 और इसका केंद्र O2 है। इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस दिया हुआ है 25, कर्ण दिया हुआ है 25। आपको केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है। तो आप पहले इसको मिला लीजिए। आधार के समांतर आप समकोण त्रिभुज बनाने का प्रयास कीजिए। आधार के समांतर ये लाइन खींचिए और इसको इससे लंब डाल दीजिए, तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। इसको M मान लीजिए। त्रिभुज O1 O2 M में आपको O1 O2 निकालना है। O1 O2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट O1 M का स्क्वायर और प्लस M O2 का स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ये कैसे निकलेगा? O1 M यहाँ से यहाँ तक है और पूरा कितना है? 20 है। तो 20 में से माइनस करिए, 20 में से माइनस करिए यहाँ से यहाँ तक। ये कितना है? आधा। 20 का आधा 10, माइनस ये माइनस करिए, पूरे में से ये माइनस करिए और ये माइनस करिए, तो ये आपको निकलेगा। ये क्या है? ये बराबर होगा इसके इसके, और ये है इस वृत्त की त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। ये कैसे निकलेगी? अंतः त्रिज्या ये समकोण त्रिभुज है आपका। तो इस समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है और ये ऊंचाई दी है 20। आधार निकाल लीजिए। तो आधार आप RT निकाल लीजिए, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 625 माइनस 400, अंडर रूट 225, 15। ये 15 आ गया। तो आपका ऊंचाई और आधार और कर्ण तीनों पता है। तो अंतर त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? R बराबर A प्लस B माइनस C बटे 2। हमेशा कर्ण माइनस होगा। तो ए क्या है? ए 20 है। बी अभी आपने आधार निकाला 15, और सी क्या है? 25। तो 20 और 15 35 और 25 घड़े 10, 5 आ गया। ये अंत त्रिज्या 5 आ गई। तो आप इधर ये निकाल रहे थे, इसमें से आपने ये माइनस, पूरे में से आपने ये माइनस किया था और ये माइनस करी, ये कितना आया? 5 आया। तो आपका O1M आ गया 5। ये यहाँ रख दीजिए 5 का स्क्वायर। MO2 स्क्वायर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 है। आपने निकाला अभी यहाँ से यहाँ तक 10 है। तो ये 10 और 5 हो गया 15। 25 और 15 का स्क्वायर 225, ये हो गया आपका 250। 25 धाम तो 10, 25 बाहर आ जाएगा 5, 10 अंदर, 5 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर आ गया O1 और O2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक आयत है। पी क्यू आर एस एक आयत है, ठीक है। इस आयत की जो लंबाई है उसको आधार मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो कोने में स्पेस है इसमें एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है।
और क्यू आर सेवन दिया है, ये दूरी आपकी सेवन है। छोटे वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इसको मिला लीजिए, ठीक है, ये इसका केंद्र है जो इसी रास्ते पर आएगा। आप इसको मिला सकते हैं और इसको मिला सकते हैं, तो ये एक वर्ग बन गया, ये एक वर्ग बन गया। अगर इसको आप R मान लें, इसको मान लीजिए A B C, तो अगर इसको आप R मान लें, ये क्या है आपका, ये वर्ग है, तो इसको R मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यू आर रूट टू। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा रूट टू, भुजा R हो गई तो ये विकर्ण है, आर रूट टू हो गया। अब यहां से यहां तक कितना है, R है, ये आर रूट टू है, ये R है, ये कितना है सेवन, क्योंकि ये भी सेवन है, ये भी रेडियस है इस वृत्त की, और ये भी इस वृत्त की रेडियस है, ये भी सेवन है। तो ये पूरा ओ क्यू, ओ क्यू कितना होगा, ओ क्यू बराबर हो जाएगा यहां से यहां तक, ये पूरा सेवन, प्लस यहां से यहां तक आपने आर माना है रेडियस, और यहां से यहां तक ये इस वर्ग का विकर्ण हो गया, तो ये आर रूट टू हो गया, बराबर बराबर इधर लगा हुआ है, ये ओ क्यू बराबर इतना आया, ये टुकड़ों में आपने इसको ऐड किया। अब ओ क्यू रियल में कितना है, ओ क्यू इस चित्र में आप देखिए, ये क्या है, ये वर्ग है, ये भी सेवन है, रेडियस है, ये भी सेवन, ये सेवन वर्ग, तो ये हो जाएगा सेवन रूट टू, वर्ग का विकर्ण सेवन रूट टू इसके बराबर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सेवन इधर लाइए, सेवन कॉमन हो गया रूट टू माइनस वन, इसमें आर कॉमन ले लीजिए रूट टू प्लस वन, तो सेवन रूट टू माइनस वन अपान, ये अपान में आ जाएगा रूट टू प्लस वन इज्क्वल टू आर। अब इसके संयुग्मि से गुणा कर लीजिए, आर इज्क्वल टू सेवन रूट टू माइनस वन, इसका संयुग्मि रूट टू माइनस वन, नीचे रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन, ये ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, नीचे टू माइनस वन वन आ जाएगा, सेवन टू वन थ्री हो जाएगा, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन और सेवन टू जा फोर्टीन, ये आपका आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका छोटे वृत्त की त्रिज्या आ गई आर। अगले क्वेश्चन में एक वर्ग दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में एक वृत्त दिया हुआ है, इस वृत्त का केंद्र C है, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है, इसके अंदर नहीं बना है, कुछ पोर्शन बाहर है, दो शीर्ष इसके बाहर हैं, P O N M, ये दिया हुआ है। इसमें 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है। वृत्त की त्रिज्या बतानी है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, इसको में क्या करेंगे, इसमें आप यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इससे वर्ग की साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, इसको इस कॉर्नर से मिलाइए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें पूछा है रेडियस, रेडियस आप आर मान लीजिए, इसको आप आर मान लीजिए, ये रेडियस आर मान लीजिए, ये भी क्या है आपकी, ये भी तो रेडियस है, ये सर्कल है तो सर्कल की रेडियस आर है, ये भी रेडियस है तो ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। जब ये आर हो जाएगा, ये आर है तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, सिक्स, सिक्स माइनस आर, ये सिक्स माइनस आर है और ये आर है, और ये कितना हो जाएगा,
टोटल कितना है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 बाई 2 3 हो जाएगा। अब इसे पाइथागोरस में लगा दीजिए, इस ट्रेंगल में कर्ण का स्क्वायर कर्ण r है, लंब का स्क्वायर लंब 3 है, और आधार आधार 6 माइनस r है का स्क्वायर, r स्क्वायर इक्वल टू 9, इसमें a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, r स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12r इधर आया इक्वल टू 45, r इक्वल टू 45 अपॉन 12 काट दीजिए, ये आपकी रेडियस आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है, एस आर क्यू पी, इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है और इस स्पर्श बिंदु से इसको मिला दिया गया है, ये वाई पर मिल रहे हैं, इस वृत्त का केंद्र ओ है, आपको बताना है एस वाई की लंबाई, एस वाई की लंबाई बतानी है, एस वाई इसमें दिया क्या है, पी क्यू आर एस आर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में त्रिज्या दी है इसकी 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दिया है, और आपको निकालना है एस वाई, एस वाई तो त्रिज्या, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक 4 है, तो ये विकर्ण कितना हो जाएगा, 8, वर्ग का जो डायगोनल है वो हो जाएगा 8, ठीक है, डायगोनल 8 हो गया, तो वर्ग की आप साइड निकाल लीजिए, तो इस ये आप देख लीजिए, ये आपका संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है, तो इसकी ये हाइट जो है वो वर्ग की भुजा है, तो वर्ग की भुजा निकाली है, तो वर्ग का विकर्ण आ चुका है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट 2, तो भुजा आ जाएगी 8 बटे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से गुणा कर लीजिए आंसर में, तो आपका हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, ये साइड आ गई आपकी 4 अंडर रूट 2, ये 4 अंडर रूट 2 आ गई। अब इस संपूर्ण त्रिभुज में आपको ये निकालना है एस वाई, आपकी हाइट आ गई, अब आपका बेस पता होना चाहिए, तो ये भी आपका 4 अंडर रूट 2 होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये कितना होगा, इसको निकालने के लिए आप इसको इससे मिलाइए, तो आप देख रहे हैं कि इस भुजा के एक तरफ ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना कीजिए, त्रिभुज आर पी क्यू और आर क्यू वाई में कंपैरिजन करिए, दोनों में ये साइड कॉमन है, आर क्यू कॉमन है, ठीक है, आर क्यू कॉमन है और ये कोण दोनों में कॉमन है, ठीक है, 90 डिग्री दोनों में है, ठीक है, ये कितना है, ये कितना है आपका 45, क्योंकि वर्ग है, वर्ग का विकर्ण एंगल को दो भागों में बांटता है, ये 45 है, ये कितना बचा, ये भी 45 बचा, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपकी, ये त्रिज्या है और ये क्या है, स्पर्श रेखा है, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए पूरा 90 है, तो ये 45 हो गया, 45 बचा, तो इन दोनों त्रिभुजों में आपने देखा कि एक साइड कॉमन है, एक साइड कॉमन है और इस साइड पर बना ये वाला एंगल कॉमन है और दूसरी तरफ वाला भी एंगल कॉमन है, मतलब ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, कोण भुजा कोण, दो त्रिभुजों में अगर एक दो कोण और एक भुजा बराबर है, एक भुजा और उससे रिलेटेड दोनों कोण बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, मतलब सर्वांगसम सारी चीज बराबर होगी, तो इसका आधार और इसका आधार बराबर होगा, तो ये 4√2 है, तो ये भी 4√2 होगा, तो बेस हो गया 8√2।
अब इस समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, कर्ण स्क्वायर, कर्ण है आपका SY, SY स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट 2 ऊंचाई का स्क्वायर और प्लस आधार हो गया आपका 8 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, SY स्क्वायर बराबर 16 दुना 32 और प्लस 160 आ गया, SY बराबर अंडर रूट 160, 16 दहम 160, 4 अंडर रूट 10 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया SY। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर इसमें से आपको कोई भी कंपोनेंट अच्छा लगता हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।